नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई इस न्यूज मुरवाद में। पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के द्वारा डीपीएस के विरोध में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सोमवार को कलेक्ट्रेट पर मुरवाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर दिल्ली पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा कि अभिभावकों द्वारा हमें जानकारी दी गई कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है, इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से ऑफलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। बताया गया कि डीपीएस की मान्यता 31/3/2022 से समाप्त हो गई है और इसकी एक पूर्व ट्रस्ट पवन बंसल द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना मझोला को 4 अप्रैल 2021 को दिया गया था। डीपीएस सोसाइटी की वेबसाइट पर चेक किया गया तो पता लगा कि डीपीएस का नाम उस सूची में नहीं है। इससे साफ होता है कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चल रहा है वह अवैध है। इस संबंध में सभी अभिभावकों ने जिलाधिकारी से वार्ता की। जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कुछ दिनों का समय मांगा है। इस मौके पर अनुज गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि उक्त प्रकरण की जाँच कराकर उचित कार्रवाई विद्यालय और उसके समस्त ट्रस्टी के खिलाफ करने की मांग करते हुए ताकि बच्चों का शैक्षिक सत्र खराब होने से बचाया जा सके। प्रदर्शन में वैभव गुप्ता, सनी सिन्हा, राजीव सिंह, अंकित अग्रवाल आदि भारी संख्या में महिलाएं व लोग उपस्थित रहे। हमसे ये बात पाई है कि हमारे पास डीपीएस की फ्रेंचाइजी नहीं है। हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी थाने में। अभी हम आपसे जो आज मिलने के लिए आए हैं, बात यह है कि कुछ पेरेंट्स के बच्चे हाई स्कूल में हैं, इंटर में, बोर्ड के एग्जाम में उनके साथ जो आए उनके बच्चे के लिए कैसे उनका जगह नया एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम मिलेगी। अब एक तो ये व्यवस्था तो कोई ना ट्रस्ट भी होता है। और जो बच्चे 9th में हैं इस बार आए हैं और जो 11th में आए हैं, अगर आज एक साल के लिए भी इधर बढ़ेगा तो उनका तो नुकसान होगा ना। अगले साल ये तो बंद कर देंगे तो उधर वो क्या करेंगे, वो फॉर्म कहाँ भरेंगे? तो या तो जो 9th में और 11th में आए हैं उनका कहीं पर ये शिफ्टिंग करवाएं अपने बेस पर। सर पेरेंट्स क्यों? क्योंकि ये मैच मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है, पेरेंट्स ने मैं क्रिएट नहीं किया कि हम दूसरे स्कूल में जाना है, वहाँ फीस भरें, फलाना करें, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सर होना। ये तो एक तरह से एक गुनाह है उनका जो उन्होंने किया है, राइट। अब 10th और 12th के बच्चों को सर उनका बोर्ड जरूर करवाना चाहिए क्योंकि वो पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है, आपने इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कैसे की जब इतनी आप सर एक कोई छोटी संस्था नहीं चला रहे हो, आप डीपीएस से एसोसिएटेड हो, राइट। और डीपीएस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिकेशन क्यों नहीं दिया जी, ठीक है ना सर। डीपीएस अल्टीमेट इनडायरेक्टली डीपीएस भी इन पेरेंट्स से एसोसिएटेड है, सिर्फ डीपीएस स्कूल से नहीं है। अगर वो संस्था भी क्या प्रॉफिट एंड लॉस के बिना खेल रही है क्या, वो अर्निंग के लिए बैठी हुई है, वो सर वो भी एक लॉ गलत है। तो इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट का, डीपीएस सोसाइटी का, सबका जो मिली भगत है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो उसके लिए अब पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स तो इस स्थिति में ऐसा आ गया है कि वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले सकता। उन्होंने बोला 3 दिन बंद है सर, 3 दिन बंद है। आज अगर वो ऑफिस ऑर्डर देंगे कि 10 दिन के लिए बंद होगा तो वो 10 दिन के लिए बंद कर देंगे। वहां जाके धरना देने से कुछ नहीं होगा सर। हम तो इसलिए आपके पास आए हैं क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में सर, आप ही लोग डिसीजन लेंगे, आप लेंगे सर, DIO लें, क्योंकि इनकी मान्यता कुछ आप ही के पास होती है। तो हम पेरेंट्स के लिए आप कुछ बात करें था, लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल आया आपकी उस लिस्ट से मुरादाबाद डीपीएस के नाम पर वसूली करते हैं। अभी 6 तारीख को नाम जानना चाहेंगे, क्या किस संबंध में आए आपके? हमारे संगठन के जो मेंबर थे उनको कई अभिभावकों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 1 अप्रैल से स्कूल खोल दिए हैं पर अभिभावकों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अभिभावकों ने इसको लेकर स्कूल में हंगामा किया तो एक पूर्व ट्रस्टी पवन बंसल का एक पत्र आपके सामने आ गया जिसमें उन्होंने मजलो थाने को ये शिकायत करी थी कि स्कूल की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है 31/3/2022 से और इस पर सभी पेरेंट्स को भी आपको कोई सूचित कर दिया, लेकिन मजलो थाने द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो अंधेरे में रहे, डार्क में रहे, उन्हें कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है। अब आज जब
इन लोग सब जांच सबको पता लगी कि साहब स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है, डीपीएस सोसाइटी की वेबसाइट पर भी डीपीएस मुरादाबाद का नाम नहीं है, तो अभिभावक सब चिंतित हैं, परेशान हैं। इसी को लेकर आज हम जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय के पास आए थे, उनसे हमने मांग करी है कि स्कूल को की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिलाधिकारी मुरादाबाद अपने हाथ में लेके स्कूल और एक जाँच कमेटी बना और एक कमेटी के द्वारा स्कूल को संचालन इस साल करा जाए, जिससे ये साल कम से कम अभिभावकों का खराब छात्रों का खराब न हो और अभिभावकों का शुरू हो। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा है कि हम लोग तस्वीर को बुला के बात कर रहे हैं, कल भी परसों भी तस्वीर को बुला के बात कर रही थी, आज भी तस्वीर को बुला के बात करी जा रही है और पहले अगर स्कूल की मान्यता सीबीएसई से नहीं है तो पहले ट्रस्टीज को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करके उनकी मान्यता सीबीएसई से पहले कराई जाए। हमने ये भी मांग करी थी कि सर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई तो हम करेंगे लेकिन पहले बच्चों का साल खराब ना हो, पहले हमें ये चीज़ निश्चित करनी है। किस संबंध में आए आप लोग यहाँ पे? डीपीएस में डीपीएस स्कूल की फ्रेंचाइजी खत्म हो गई है, मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए आए हैं। बच्चों का स्कूल बंद कर दिया, दो साल के बाद जो स्कूल खुला है। किन से मिले यहाँ पर? अब डीएम साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया दो तीन दिन में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट सामने आएगा।